व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है सभी, आप देख रहे हैं जिम फिटनेस। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि होता ये कि मोस्टली लोगों को जब जब अपना फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करते हैं, जब वेट लॉस का हो, फैट लॉस का हो, या वेट गेन का हो, मसल गेन का हो, रिप होने का हो, तो उनको काफ़ी लोगों को पता नहीं होता ये चीज़ क्या है। तो इस चीज़ का काफ़ी जब अपने मेम्बर से या किसी भी अपने जो मेरे क्लाइंट होते हैं उनसे मैं जिक्र करता हूं, तो उनको कहते हैं हमें तो पता ही नहीं ये सीन भी होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है मेटाबॉलिज्म पे। मेटाबॉलिज्म हमारी फिटनेस जर्नी में कैसे इंपैक्ट करता है और उसमें क्या क्या हम उसमें चेंजिंग करके हम अपना जो डिजायर गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। पहले तो ये समझना चाहिए मेटाबॉलिज्म होता क्या है। मेटाबॉलिज्म जो है वो एक गाड़ी की तरह है कि गाड़ी का जैसे इंजन होता है, हम उसको पेट्रोल देते हैं या डीजल देते हैं, वो उसको यूज करके वो गाड़ी चलाता है। सेम हमारी बॉडी भी ऐसी है कि हमारी बॉडी भी एक इंजन है, हमारी बॉडी में एक इंजन है जिसको हम खाना प्रोवाइड करते हैं, कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उस हमारी बॉडी को चला सके। तो होता है कि हमारी बॉडी में जो हम आम दिन में बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, कोई भी काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना पका रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अपना दिमाग यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हमारी बॉडी को एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, जो एनर्जी की भी कैलोरीज चाहिए होती हैं ताकि वो पर्टिकुलर काम भी हमारी बॉडी परफॉर्म कर सके। तो होता ये है कि मेटाबॉलिज्म जो होते हैं दो तरह के होते हैं, या तो फास्ट होता है या तो बिल्कुल स्लो होता है। तो फास्ट मेटाबॉलिज्म क्या होता है और स्लो क्या होता है, मैं आपको पहले ब्रीफली गाइड करूंगा। पहले फास्ट पे डिस्कस करेंगे ताकि अगर इनका बहुत ज़्यादा फास्ट है तो वो अगर वेट गेन करना चाहे तो वो किसके ड्रॉबैक्स क्या हैं और उसको हम कैसे अच्छा बेहतर कर सकते हैं और वो कैसे वेट। अच्छा, होता है कि जो कई लोगों में फास्ट मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि वो कहते हैं कि हम तो बड़ा कुछ खाते हैं लेकिन हम तो लगता ही कुछ नहीं है, जना मेरी तो भूख मर गई, मेरे पेट से कीड़े हैं ना वो खा जाते हैं सारे, तो ये भी बहुत ज़्यादा मिथ है। तो होता ही है कि कई लोगों का बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है जिसकी वजह से उनको ये लगता है कि यार कि हम जितना मर्जी खा लें तो हमें भूख भी नहीं लगती और सेकेंडली हमारा वेट गेन नहीं होगा। अच्छा, इन लोगों का क्या सीन होता है कि इन ये जितना भी खाते हैं, अगर फर्ज करें दिन में 3 मील खा रहे हैं, वो इतना मील खाएंगे कि बॉडी को वो आपकी बॉडी एकदम उसको कन्वर्ट करेगी एनर्जी में, और एनर्जी में कन्वर्ट करते सारी आपकी बॉडी को प्रोवाइड कर देगी। जो आप काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी यूज हो जाएंगी। तो इन लोगों ने जब ये वो काफ़ी स्किनी टाइप लोग होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। अच्छा, इनको वेट गेन करने में बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि अपनी कैलोरीज पूरी नहीं कर पाते। तो फास्ट मेटाबॉलिज्म वालों को क्या करना चाहिए कि अगर उन्हें वेट गेन करना है या अपना मसल गेन करना है तो वो क्या करना चाहिए? करना उन्होंने ये है कि अगर उनका जो भी BMR आता है, BMR होता है बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट, यानी अगर उनकी दिन की कैलोरीज आ रही हैं जनाब 2000 या 1800 कैलोरीज आ रही हैं, तो उन्होंने करना ये कि अपनी कैलोरीज में कम से कम 500 से 700 कैलोरी प्लस कर देनी है। एक मैंने कैलोरीज पे कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या होता है मैंने वीडियो बनाई हुई है, आपका लिंक ऊपर आ जाएगा, कार्ड आ जाएगा, तो आप उसमें से देख लीजिएगा जाके ताकि आपको इजीली आसानी से पता लग सके। तो उन्होंने 600-700 कैलोरीज या से ऊपर अबव ऐड करने, कैलोरी सरप्लस में जाना है, और हमेशा ये करना है कि अपनी जितनी भी दिन की जो पूरी कैलोरीज हैं उनको डिवाइड करना है 500 से 600 में, और हमेशा 2-3 से 4 घंटों के बाद कुछ ना कुछ खाना है ताकि उनकी बॉडी जो है बकायदा कैलोरीज को मेंटेन कर सके, कैलोरीज को कन्वर्ट कर सके और उसको अच्छे तरीके से आपकी बॉडी को यूज कर सके और आपको बॉडी को फुलफिल कर सके। उसके बाद क्या करना है, उन्होंने कम से कम 3 इनके प्रॉपर मील होने चाहिए और कम से कम 2 से 3 इनके स्नैक्स होने चाहिए, हेल्दी स्नैक्स होने चाहिए। उसके बाद आते हैं ट्रेनिंग पे, इन्होंने ट्रेनिंग कैसे करनी है। ट्रेनिंग में होता है कि फास्ट मेटाबॉलिज्म जितना इनका भी होता है, इनको कार्डियो करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर वो देखते हैं कि शुगर बर्न करने के लिए जो हम शुगर खा रहे हैं डाइट में से, और या जो उनकी फैट आ रहा है कोशिश करेंगे, वो होता ही कि जब भी ज़्यादा कैलोरी सरप्लस में आता है तो फैट आने के चांसेस भी हो जाते हैं कि मसल गेन के साथ फैट आने के चांसेस, तो वो हफ्ते में 1 से 2 मरतबा एप्स और हिट लाजमी करेंगे। अब वो जिस दिन हिट करेंगे, हिट या कार्डियो करेंगे, उसमें एप्स, एक दिन एप्स तो कार्डियो कर सकते हैं और एक दिन एप्स या हिट कर सकते हैं या हिट या कार्डियो कर सकते हैं। और ये ट्रेनिंग इनका होगी हफ्ते में 2 से 3 मरतबा, यानी 2 से 3 या 4 मरतबा आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। ट्रेनिंग में उन्हें क्या करना है, इन्होंने कंपाउंड मूवमेंट पर ज़्यादा फोकस रखना है। कंपाउंड मूवमेंट जैसे हो गए, डेड लिफ्ट हो गई, आगे सिंगल आर्म डंबल हो गया, रोइंग होगी, बेंड ओवर रोज हो गया, लैट पुल डाउन हो गया, चेस्ट प्रेस होगी, फ्लैट बेंच प्रेस हो गया, शोल्डर प्रेस हो गया, ट्राइसेप ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन हो गया, लंजेस हो गए, लेग्स की जितनी भी होगी, जो बड़े ग्रुप्स होते हैं, जो मल्टीपल ग्रुप्स जब से जिस एक्सरसाइज में टारगेट हो जाते हैं वो लाजमी करने हैं। और हमेशा उन्होंने कोशिश करनी है कि अगर ये 5 एक्सरसाइज कर रहे हैं, फर्ज करें एक दिन में अगर चेस्ट कर रहे हैं तो 5 एक्सरसाइज कर रहे हैं, 5 में से 3 की कंपाउंड मूवमेंट होंगी, 2 आइसोलेशन मूवमेंट होंगी। अगर आर्म्स कर रहे हैं तो आर्म्स में अगर ये 10 गेम्स एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इनकी 6 एक्सरसाइज या 7 एक्सरसाइज कंपाउंड होंगी, 2 से 3 इनकी आइसोलेशन होंगी। तो ये तो हो गया इनका।
अच्छा, तो ये इजीली 2 से 3 महीने इस प्लान को फॉलो करें, फिर थोड़ा सा कट करें, 15 से 20 दिन का कट करें, ताकि इनकी जो बॉडी वो यूज टू हो रही है किसी भी चीज़ का, वो उसे ख़त्म हो और दोबारा वो अपना दोबारा उसको दोबारा कंटिन्यू कर सकें। अच्छा, अब आते हैं स्लो मेटाबॉलिज्म या इनका सुस्त मेटाबॉलिज्म है और स्लो मेटाबॉलिज्म पे। अच्छा, उनका ये होता है कि वो जितना मर्जी खा लें, वो खाते हैं लेकिन उनकी बॉडी उसको सही तरह कन्वर्ट नहीं कर पाती एनर्जी में, और वो जो हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, होता है क्या, वो 60-70% आपकी बॉडी में फैट की शक्ल में स्टोर होता रहता है। बॉडी को आपकी इतनी एक्टिविटी भी नहीं होती एक्चुअली। इस तरह के जो स्लो मेटाबॉलिज्म के जितने लोग होते हैं, वो स्लो होते हैं, सुस्त होते हैं, तो वो ना अपनी कोई चिल्ले होंगे कि ना मेरे को तो होता ही कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो कोशिश ये करनी कि आपने जितने भी स्लो मेटाबॉलिज्म वाले लोग होते हैं, उन्होंने आपने जब भी एक्सरसाइज जो आपकी फ़र्ज़ करें BMR आता है, आपकी BMR आ रहा है जनाब 2000 कैलरीज आ रहे हैं, तो आपने 400 से 600 कैलरीज कम करनी है, आपने कैलरीज कम करनी है, और आपने इसको कम से कम 4 से 5 मील्स में डिवाइड करना है, लेकिन मील की जो क्वांटिटी होगी और जो कैलरीज इनटेक होगा वो थोड़ा कम रखना है। आपने 2 स्नैक्स लेने और 3 प्रॉपर मील लेने हैं, और कोशिश करनी है कि आप सिंपल कार्ब्स हो गए, जंक फूड जितना होगा उसको छोड़ें, आप राइस वगैरह और वाइट राइस, प्योर वाइट राइस नहीं खाने, आपने उसके साथ प्रॉपर मील लेना है जिसमें वेजिटेबल कार्ब्स आपकी फ्रूट और फैट और प्रोटीन वगैरह हो, ताकि पूरा प्रॉपर ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो। और इन्हें 3 मील करें, 2 आपने स्नैक्स लेना, स्नैक्स में आप कुछ भी प्रोटीन बेस्ड या कार्ब फैट बेस्ड आप कोई भी ये अपना मील ले सकते हैं। उसके बाद सेकेंडली, जिनके स्लो मेटाबॉलिज्म है, इन्होंने करना क्या है, इन्होंने जब एक्सेस की बात आती है तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने बर्न करना है, आपने वो कम करना है, इसका एक ईट लेस बर्न मोर। अगर आप फर्ज करें एक्सरसाइज में आके कम से कम 600 से 900 के दरमियान कैलरीज बर्न करें, आप कुछ भी कर सकते हैं, इस तरह का आप ट्रैकर ले सकते हैं, कोई फिटनेस ट्रैकर ले सकते हैं, ताकि उसके आप अपनी कैलरीज काउंट कर सकें, और अपनी कैलरीज को आपने काउंट करना है प्रॉपर, उसका लिखना है क्या कितनी कैलरीज खाई हैं, क्या किया है, कैसे किया। तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने हफ्ते में 2 से 3 मरतबा आपने कार्डियो लाजमी करना है। कार्डियो के साथ में हिट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, आप लो इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, एप्स कर सकते हैं, और लो इंटेंसिटी स्टडी स्टेट कार्डियो भी कर सकते हैं, यानी ट्रेडमिल वगैरह भी कर सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने जो ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग में इनका होगा कि ये कोर भी ज़्यादा फोकस करेंगे, ताकि ये कोर स्ट्रॉन्ग हो। हफ्ते में एक बार कोर क्लास में करें, जब एप्स करेंगे तो कोर होगी। और सेकेंडली फुल बॉडी वर्कआउट पर फोकस करेंगे, अगर एक दिन में अगर आर्म्स अपर बॉडी कर रहे हैं तो एक दिन लोअर बॉडी करें और एक दिन अपर बॉडी कर रहे हैं, यानी 4 दिन अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो 4 दिन में ट्रेनिंग इनकी ये होगी, ये 6 दिन ट्रेनिंग करेंगे हफ्ते में। और जिनमें से एक दिन अगर आप मंडे को आप अपर बॉडी कर रहे हैं, चेस्ट और बैक कर रहे हैं, तो उसके साथ आप कार्डियो कर रहे हैं। नेक्स्ट डे अगर आप कर रहे हैं आर्म्स कर रहे हैं, आर्म्स और शोल्डर कर रहे हैं, तो उसके साथ आप हिट ट्रेनिंग करेंगे, एप्स ट्रेनिंग करेंगे। फिर अगर आप लेग्स करें, लेग्स से एप्स करेंगे, उसका कार्डियो करेंगे। तो अभी इस तरह का प्लान बनाना है, तो एक मैं प्लान इनके लिए बना भी रहा हूँ ताकि वो इजीली उसको फॉलो कर सके। तो ये था आज का मेरा टॉपिक कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उसको कैसे करना है। तो ये छोटी सी चीज़ है, आप इसको इम्प्लीमेंट करें तो इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए और क्या वीडियोस चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।